नमस्कार। इस वक्त की कॉलेज परीक्षाओं संबंधित एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कॉलेज की परीक्षा रद्द करने पर सरकार का बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है। कोविड 190 को देखते हुए सरकार ने यह सबसे बड़ा फैसला लिया है और कॉलेज छात्रों की लगातार मांग को देखते हुए छात्र हित में और परीक्षा रद्द करने संबंधित बड़ा आदेश निकल के इस वक्त सामने आ रहा है। तमाम जानकारी और अपडेट जानेंगे इस वीडियो में विविध प्रूफ के साथ में, तो वीडियो में तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने के यूजीसी को फैसले को मिली है चुनौती। इस वक्त की आप बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला कॉलेज की परीक्षा रद्द करने पर निकल के सामने आ रहा है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि जो यूजीसी ने फैसला लिया है कॉलेज की अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का, वो पूरे भारतवर्ष में परीक्षा रद्द की जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। चाहे भारत के किसी भी राज्य से विलंब करते हो, उस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चल रही कसम कस के बीच महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने अभी तक सुनवाई के लिए याचिका दाखिल नहीं की, यानी कि इसकी तारीख फिक्स नहीं की गई है कि अभी तक है, सुनवाई कब होगी। यानी कि जो यूजीसी ने फैसला लिया उसको चुनौती मिल चुकी है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने पर अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सीबीएसई की परीक्षा इस बार नहीं होगी और उनको रद्द की गई। उसी प्रकार से जो फैसला लिया जाएगा छात्र हित में ही सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा और यहाँ पे ये फैसला निकल के सामने आ सकता है कि आपकी परीक्षा रद्द की जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। साथ ही आप सभी के लिए ये भी एक खबर है कि यूजीसी ने ये भी ये कहा है कि इस बार है परीक्षाएं होगी, लेकिन साथियों ये सुप्रीम कोर्ट में है, वो याचिका दायर की गई है, तो इससे कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तमाम अपडेट और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।